यस yes, सरकार माहौल एकदम जबरदस्त चैप्टर नंबर थ्री टाइम ऑफ सप्लाई सर सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर ट्वेल्व कहता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स सेक्शन नंबर थर्टीन बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर फोर्टीन कहता है क्या व्हेन रेट ऑफ टैक्स चेंजेस तो क्या करेंगे ओके okay, बात करते हैं सेक्शन नंबर ट्वेल्व सर टाइम ऑफ फॉर गुड्स सेक्शन वन कहता है क्या इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी डिटरमाइंड एज पर दिस सेक्शन और जिस दिन टाइम ऑफ सप्लाई होगा उस दिन लाइबिलिटी आएगी एस पर बेटा ओके okay, सरकार सब सेक्शन टू से मेन बात शुरू होती है टाइम ऑफ सप्लाई ध्यान देना गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शेल बी द डेट ऑन विच इन्वॉइस इज इश्यूड और अगर आपने इन्वॉइस टाइमली इशू नहीं किया इस पर सेक्शन नंबर तो द डेट ऑन शुड बीन इशूड वही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई मतलब इन्वेस्ट टाइम पे इशू कर दिया तो डेट ऑफ इशू ऑफ इज द टाइम सप्लाई और इन्वेस्ट इशू नहीं किया तो जिस दिन इन्वेस्ट इशू हो जाना चाहिए था वही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई अब बात आती है क्या इनवेस्ट कब इशू हो जाना चाहिए था बच्चों ध्यान रखना गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सब सेक्शन टू की जब लाइब्री आती है तो उसमें एडवांस पेमेंट पे जीएसटी नहीं लगता है गुड्स केस में बच्चों ध्यान रखना नोटिफिकेशन थ्रू एडवांस पेमेंट को हटा दिया था बेटा

बिल अगर मैंने इशू कर दिया टाइमली तो डेट ऑफ इशू पर इन्वर्स टाइम सप्लाई हो गया नहीं तो जब बिल इशू हो जाना चाहिए था वही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा प्लस अगर मैंने गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे दिया है तो या तो उसने अप्रूवल दे दी मतलब सप्लाई हो गया या फिर सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर तब मेरे को इवर्स इशू कर देना चाहिए और अगर कर दिया तो टाइम सप्लाई वो देना जाएगा और नहीं इशू किया टाइमली तो जब इन्वर्स इशू हो जाना चाहिए था वही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई सबसेक्शन थ्री क्या कहता है जहां जहां रिवर्स चार्ज में आरसीएम रिवर्स चार्ज आरसीज में रेसिपेंट लाइबल होता है वहां वहां सबसे बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रेसिपेंट क्या होगा इन तीनों में सप्लायर को पे कर दिया इन रेस्पेक्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई अच्छा उसने पे कर दिया कब मानेंगे बेटा एंट्री द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या एक्चुअल डेबिट इन हिज बैंक इज अर्लियर तब मान लेंगे पे कर दिया है या फिर थर्टी फर्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ गया हो, या उसने पेमेंट कर दिया हो या थर्ट फर्स्ट डे फॉम ऑफ इश्यू ऑफ इन अर्लिए और इन तीनों से अगर टाइम सप्लाई नहीं आ रहा है तो जिस दिन रेसिपी एंड बुक्स में खर्चा रिकॉर्ड किया वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया वो क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सबसे थ्री में लिखा है क्या? इन तीनों में से बीच रिल मतलब अगर आपने रेसिपेंट ने सप्लायर को एडवांस पे कर दिया तो जितना एडवांस पे किया उतना अमाउंट आ जाएगी बच्चों सब सेक्शन सबसे एडवांस पेमेंट नहीं हटा है बच्चों हटाए ओके सबसे बोलता है क्या वाउचर्स और कूपन अगर आपने गुड्स के रेस्पेक्ट में कोई वाउचर या कूपन इशू किया है तो इफ सप्लाईज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू वाउचर तो जो वाउचर इशू किया तभी सप्लाई हो गया उस दिन ही टाइम सप्लाई आ जाएगा और अगर इफ सप्लाईज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू वाउचर तो जो वाउचर रेसिपेंट रिडीम कराएगा दैट डेट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई 5 बोलता है रेसिडुअल प्रोविजन अगर और से टाइम सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो रहा है तो रेसिडुअल प्रोविजन बोलता है ए अगर रिटर्न फाइल करने की तो होगा क्या हो जाएगा और अगर करने की नहीं थी, तो जिस दिन उसने टैक्स पे किया होगा गवर्नमेंट को वही क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई

इनवॉइस और पेमेंट विच अवर इज अर्लियर पर अगर हमने टाइमली बिल इशू नहीं किया डेट ऑफ ऑफ सर्विस मतलब डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच अर इज अर्लियर और हाँ टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस कितना है सर्विस इनवोस कैन भी विदिन थर्टी डेज फ्राम दफ़ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और अगर बैंकिंग कंपनी है बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी है, या इंश्योरेंस कंपनी तो 45 डेज का टाइम दिया वहाँ पे बेटा क्लियर प्लस बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया है, आ, आप अगर अपने ही दूसरी ब्रांच को सर्विस दे रहे हो डिस्ट्रिक्ट पर्सन को सर्विस दे रहे हो तो आप चाहो तो क्वार्टरली एक ही बिल इशू कर देना और जब बिल इशू करोगे क्लियर

वही क्या हो जाएगा डेट जिस दिन उतना अमाउंट का आपको इन्वॉइस इश्यू करना पड़ेगा सेकंड अगर कोई इवेंट फिक्स नहीं पर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है तो ड्यू डेट जो होगा वो दिन क्या हो जाएगा डेट जब आपको इन्वॉइस इशू करना पड़ेगा बेटा क्लियर ये बता रहा हूं मैं टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस ठीक है फिर देख लेना क्या अगर इस टाइम में बिल इशू हो गया तो इनवॉइस और पेमेंट नहीं तो कंप्लीशन और पेमेंट है थर्ड के साथ है क्या अगर मान लो ना कोई इवेंट फिक्स है ना कोई ड्यू डेट फिक्स है तो ऐसे केस में जब रेसिपेंट जब जब रेसिपेंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब तक उतना अमाउंट के लिए उस दिन ही उसको इन्वेस इशू करना पड़ेगा जब वो पेमेंट देगा रेसिपेंट सप्लायर को क्लियर और इन्वेस्ट अगर टाइमली इशू कर दिया तो इनवोस और पेमेंट बीच नहीं तो प्रोविजन और प्रोविजन सर्विस और रेसिड पेमेंट अर्लियर कभी भी एडवांस पेमेंट अगर आता है तो जितना एडवांस आया है उतने एक्सटेंट तक की लाइबिलिटी आएगी बच्चों और हाँ अगर एडवांस का अमाउंट इज अप टू तो रूपी वन थाउको तो हैडे लेने की जरूरत नहीं है आपकी चॉइस है अभी टैक्स पे करना तो अभी टैक्स पे करो नहीं तो बाद में जब उसका इन्वेस्ट इशू करोगे तभी टैक्स पे करना अभी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है आपकी चॉइस है बेटा अगर एक तक का एडवांस है तो पर ट्रांजेक्शन ओके सर प्लस यहां पे लिखा है क्या यह सबसेक्शन टू था बेटा प्लस यहां पे लिखा है क्या अगर अगर सबसेक्शन

सेक्शन नंबर अच्छा एक और बात ये थर्टीन सेक्शन थ्री था इसमें एक और प्रोवाइज रखा है अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है फ्रॉम योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज अगर आपने आपके एसोसिएटेड एंटरप्राइज से क्या किया है आपके ही इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो

तो उतने अमाउंट के लिए उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई का जब वो पेमेंट रिसीव होगा इंटरेस्ट या लेट पेमेंट रिसीव वाला बेटा क्लियर ये था सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन सिक्स क्लियर इसी के साथ सेक्शन नंबर थर्टीन खत्म होता है अब बच्चों ध्यान रखना एक और स्पेशल केस बिल्डर के केस में बच्चों जहां पे सोसाइटी ने या किसी भी पर्सन ने उसको डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए या फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया या लॉन्ग टर्म लीज पे प्लॉट दिया तो ऐसे केस में टाइम सप्लाई क्या होगा जब ये बाटर होता है बेटा या मनी में कंस्रेशन हो सकता है सोसाइटी के लिए भी और बिल्डर के लिए बेटा बिल्डर ने सोसाइटी ने क्या किया अपनी जमीन जो थी या अपना प्लॉट जो था वो दे दिया बिल्डर को और बोल दिया ये हमारा बिल्डिंग वगैरह जो पुराना बिल्डिंग बना उसको तोड़ नई बिल्डिंग बना क्लियर अब ऐसे केस में बिल्डर क्या करता है बेटा उनको पुराने फ्लैट तोड़ के नया फ्लैट बना के देता है अच्छे फ्लैट फ्लैट बड़े फ्लेट, प्लस हो है कुछ मनी कंस भी देगा बेटा तो ऐसे केस में क्या हो रहा है बिल्डर उनको फ्लैट बना के दे रहा है तो बिल्डर सर्विस क्योंकि एडवांस आ गया इन दी फॉर्म ऑफ लैंड इन रोबीडी बेटा ने जिस पर्सन ने डेवलपमेंट राइट right दी स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया है या उसने लॉन्ग टर्म लीज पे प्लॉट दिया बेटा थर्टी और मोर देन थर्टी केस वही सप्लाई सर्विस है तो ऐसे केस में टाइम सप्लाई होगा क्लियर स्पेशल प्रोविजन दिया कि देखो आज आज बिल्डर की बात करें हम तो उसको एडवांस पेमेंट रिसीव हो गया कब जैसे ही उसको राइट्स मिल गए एडवांस पेमेंट आ गया बेटा और उसको बोलते हैं टाइम सप्लाई एडवांस पेमेंट आती ही टैक्स पे कर तो बेचारा को तो अभी तो बिल्डिंग तोड़नी है नई बिल्डिंग बनानी है उसके बाद जो बचे हुए फ्लैट होंगे ना वो बेचेगा तब जाके पैसे आएंगे बेटा उसको एक्स्ट्रा जो फ्लैट बनेंगे बेटा तो उसको तो बेचारा का लॉस हो जाएगा प्लस सोसाइटी के एंगल से बात करें उनके पुराने घर टूटने वाले हैं नए घर बनेंगे पता नहीं कब मिलेंगे और जैसे ही उन्होंने राइट ट्रांसफर किया उनके लिए सप्लाई ऑफ सर्विस कंप्लीट होगी बेटा तो टाइम सप्लाई उनके लिए भी आ जाएगा बच्चों उस टाइम पे अब घर मिलेंगे नए कब तीन साल बाद और तीन चार साल पता नहीं कब मिलेंगे और साहब आज जीएसटी पे कर दो बड़ा टेंशन हो जाएगा ना दोनों एंगल पे इसलिए इन दोनों के लिए बोल दिया क्या आप दोनों के लिए सोसाइटी के लिए भी मतलब जो डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर कर रहा है फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर कर रहा है या लॉन्ग टर्म लीज ट्रांसफर कर रहा है प्लॉट का या बिल्डर जो क्या कर रहा है कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट्स या uh, कोई ऑफिस वगैरह बना के दिए उसने

ये टॉपिक एक बार कवर किए हुए ये फास्ट रिवीजन है ध्यान रखना बेटा सुपर फास्ट क्लियर स्पीड धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी मेरी ध्यान रखना ओके सर आपको आपको टॉपिक आना चाहिए ये लेक्चर्स पढ़ाई करने के लिए नहीं ये लेक्चर्स रिवीजन करने के लिए टॉपिक को पूरा या फिट करने के लिए बच्चों क्लियर ओके सरकार सेक्शन नंबर फोर्टीन वेनवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स याद है बसंती जयवीरू क्लियर सर बसंती जय वीरू सुनना बच्चों ध्यान से अच्छा हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जिसने लेक्चर में से नहीं पढ़े उनके लिए भी लेक्चर काम किया इसलिए बसंती जयवीरू तो उनको समझ में आ गया होगा जिन्होंने मैंने लेक्चर पढ़ाया बेटा सर बसंती के साथ जय है तो जय की बात माननी है के साथ वीरू तो वीरू की बात माननी है बसंती के लिए तो जय वीरू में जो पहले पूछेगा उसकी बात माननी याद है बेटा आपको पर हाँ मैं समझाता हूँ बेटा सर वेनवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स वेनएवर देर इज चेंज इन रेट ऑफ टैक्स तो ऐसे केस में क्या होगा साहब अगर देखो तीन इवेंट पे सप्लाई टाइम सप्लाई डिपेंड करता है कंप्लीशन मतलब सप्लाई इन वॉइस डेड ऑफ ऑफ इन वॉइस और रिसो पेमेंट अब सर तीनों इवेंट हो गए उसके बाद रेट चेंज हुआ है तो कोई मतलब भी नहीं बेटा पुरानी डेट लगेगी रेट चेंज हुआ उसके बाद तीनों इवेंट हुए तो ऑब्वियसली बातें पुरानी डेट लगेगी पर इन तीनों इवेंट के बीच में कभी रेट चेंज हो गया तो सेक्शन में फोर्टीन की बात आएगी अब इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे छे अब छह कॉम्बिनेशन बनेंगे तो क्या होगा साहब क्या करना कंप्लीशन को अलग मानना अगर कंप्लीशन पहले है इनवॉयस एवर इज द टाइम ऑफ सप्लाई कंप्लीशन पहले पेमेंट पहले, तो पहले, पहले आ गया भले ही इनवॉइस बाद में इश्यू किया जब पेमेंट आया वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा अब रिवर्स केस रेट चेंज होने के बाद कंप्लीशन हुआ है पर इनवॉइस और पेमेंट दोनों पहले थे तो इनवॉइस ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर

डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स अकाउंट्स रिगार्डिंग पेमेंट और एक्चुअल क्रेडिट इन बैंक अकाउंट विच इज अर्लियर पर इन दोनों डेट के बीच में मतलब एंट्री इन द बुक्स अकाउंट्स और एक्चुअल क्रेडिट इन बैंक अकाउंट इन दोनों के बीच में अगर कभी रेट चेंज हुआ तो क्लियर तो अरलियर पर अगर जिस दिन रेट ऑफ टेक्स चेंज हुआ उसके चार वर्किंग डे के बाद में बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है तो जिस दिन बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हुआ है वही डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट माना जाएगा यहाँ पे बहुत सारे लोग गड़बड़ कर रहे थे इसलिए गवर्नमेंट ने प्रवाइज वेट किया बेटा क्लियर जो मैंने आपको फुल कोर्स में समझाया है इसका क्या बेटा क्लियर आई होप रिवाइज हो गया पूरा टॉपिक ये सेक्शन नंबर खत्म होता है अब भारत माता की जाए पूरा टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर पूरा चैप्टर नंबर थ्री खत्म होता है अब थैंक यू सो मच माहौल और आप जब यहां पर लेक्चर के कमेंट में लिखते हो माहौल या शानदार जबरदस्त मेरी एनर्जी डबल हो जाती है और मेरी एनर्जी डबल तो आपकी एनर्जी उससे भी ज्यादा डबल कर दूंगा मैं थैंक यू सो so मच माहौल एकदम जबरदस्त